हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग यार? गुड इवनिंग जी। सो आप सभी का स्वागत है इस ऑसम सेशन में। सबसे पहला सभी को प्यारा भरा गुड वाला इवनिंग जी। बच्चा लोग, ये मैं ऑडिबल क्या, मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार बड़ी जल्दी से कमेंट है मुझे बता दीजिए फटाफट फटाफट। यार देखो, भले ये रिकॉर्ड होगा, प्रीमियर्ड होगा, लेकिन मैं इसको देखता हूँ, मैं लाइव देखता हूँ इसको, कि किसी का कुछ डाउट आ जाए सो मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ जी। ओके, चलो जी, देन रेडी रेडी गाइस, एकदम सभी लोग तैयार हो गए। सो डायग्राम बेस्ड एमसीक्यूज, अभी हम लोग यूनिट वन लेने वाले हैं क्लास 11th का। सो यूनिट वन में कौन कौन सा चैप्टर है जी? सो आपके पास आते हैं लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जी। ओके, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, देन आपके आते हैं प्लांट किंगडम, ठीक है, प्लांट किंगडम, और अंत में आपके पास कौन सा टॉपिक आता है जी? एनिमल किंगडम जी। आइए इन पूरे इन चारों ओके तुम्हारे टॉपिक से अपने कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स निकाले हैं जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रिपीट हुए हैं जी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर द टाइम, हम लोग एक एक सवाल को यहाँ पर लेना चालू करते हैं जी। आइए, पहला सवाल कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग डायग्राम एंड फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स। आइए देखते हैं सबसे पहला क्या होगा जी, देखते हैं। चलिए, तो आपके पास जैसे कि आपको पता होगा टैक्सोनॉमी हायरार्की हम सभी ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है जी? हम सभी ने टैक्सोनॉमी हायरार्की पढ़ा है ना जी। आइए, तो ए बी एंड सी। ओके, देखिए, तो सबसे नीचे क्या आता है, सबसे नीचे क्या आता है जी? स्पीशीज आता है सबसे नीचे, स्पीशीज आता है। फैमिली के ऊपर क्या आता है? ऑर्डर आता है, ठीक है, और फाइलम और डिवीजन, जैसे कि फाइलम जो होता है वो एनिमल्स के लिए होता है, और डिवीजन जो होता है वो होता है प्लांट के लिए, ठीक है। तो आपके पास फाइलम डिवीजन के ऊपर क्या आता है? किंगडम आता है। तो कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है जी? सो ऑप्शन नंबर 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है जी, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? रिफर द गिवन फिगर ऑफ द बैक्टीरिया सेल्स एंड नोस्टैक एंड चूज द ऑप्शन विच शोज द करेक्ट लेबल फॉर द ए बी सी डी एंड ई के लिए। आइए, बहुत ही सुंदर सवाल है जी। सबसे पहले अगर हम देखेंगे, ये बैक्टीरियल सेल है। सो बैक्टीरियल सेल के ऊपर की कोटिंग क्या कहला रही है? ये सेल वॉल कहलाएगा, ये आपका सेल वॉल कहलाएगा, यस। अब वो सेल वॉल के अंदर वाला जो मेम्ब्रेन है, इसको हम क्या कहेंगे जी? सेल मेम्ब्रेन कहेंगे जी। तो बी आपका सेल मेम्ब्रेन हुआ, कोई टेंशन की बात नहीं है। सी क्या ये इसका? ये इसका जेनेटिक मटेरियल है जी, डीएनए है, यस, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देख रहे हो एकदम कलर्ड है यहां पर, ये डार्क कलर्ड क्या है जी? ये हेट्रोसिस्ट है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इजेंट इट। और ये जो ई वाला ऑप्शन है जी, ई क्या है जी? ये म्यूशिलीजियस शीत है क्या? ये है म्यूशिलीजियस शीत, डन, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। सो कौन सा ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है? जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए सभी लोग, आपका ऑप्शन बी सेटिस्फाई कर रहा है इसको। मज़ा आ रहा है, इस लाइक मार दो यार, लाइक में कमी मत करना, ठीक है। तब तो हम लोग अगली बार और भी बहुत प्यारे प्यारे सवाल लेकर आएंगे ना। अगला सवाल जी, देखिए, चूज द करेक्ट नेम ऑफ द डिफरेंट बैक्टीरिया गिवन बिलो अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सवाल है जी। देखो, अब इस ए को मैं अगर देखूंगा तो ये कोकाई की तरह दिख रहा है क्या? क्या ये कोकाई की तरह दिख रहा है? यस, कोई टेंशन की बात नहीं है आपके पास। अगला जी, अब ये रॉड शेप दिख रहा है क्या? ये रॉड शेप दिख रहा है, इसी रॉड शेप को अपन क्या कहते हैं जी? बैसिलाई कहते हैं, बैसिलाई कहते हैं। ये स्पाइरल शेप दिख रहा है क्या? इसी को कहते हैं स्पाइरिला। और ये आपका कॉमा शेप दिख रहा है जी, ये है कॉमा शेप्ड, जिसको हम क्या कहते हैं जी? विब्रियो। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है इसको? ऑप्शन ए आपका सेटिस्फाई कर रहा है जी, डन। आपका
क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई ए बी एंड सी। अब देखो इसको देखिए और पहचानिए ये क्या होगा जी। तो ये आपका युगलीना है क्या? युगलीना है क्या? यस। ये क्या आपका? देखो स्टिंग कैप्सूल से यहाँ पर दिख रहा है छोटा सीलिया जी। दिस इज योर पैरामीशियम है एंड ये आपका फंजाई है जी। नाम क्या है इसका? एग्रिकस। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा आपका? ऑप्शन ए इज योर करेक्ट। अगला सवाल जी, आइए इस डायग्राम को देखिए। यहाँ पर है ना बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है। अब ये जो है ना वो टीएमवी का एक डायग्राम है। सॉरी टीएमवी नहीं कह रहा हूँ, सॉरी दिस इज योर बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है जी। और बैक्टीरियोफेज के इस डायग्राम में हमको लेबल करना है ए बी सी डी। ओके तो आइए लेबलिंग चालू करते हैं। आइए लेबलिंग चालू करते हैं जी। तो सबसे पहले ये आपका कौन सा पोर्शन है? ये आपका हेड है, तो ए इज योर हेड। कोई टेंशन? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं आपका। अब देखो सी नहीं, पहले अपन बी को लेते हैं जी। ये बी क्या है आपका? शीता है। और डी आपका क्या है? टेल फाइबर है। और ये जो सी है ना, ये जो कोलार जिसका दिख रहा है क्या, सी शेप्ड स्ट्रक्चर, दिस इज योर कोलार नेक, या कोलार कहते हैं इसी को। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी आपका सेटिस्फाई कर रहा है। इजेंट इट, इजेंट इट। ओके चलो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं जी। आइए प्लांट किंगडम से सवाल आ गया है। ए बी सी डी सेटिस्फाई करो, सेटिस्फाई करो। अब देखो ये एक तुम्हारा क्या है जी, ये पॉरीफायर है क्या? अलगे है जी, पॉरीफायर है जी, ये आपका अलगे है। ओके पॉरीफायर फ्यूकस। ओके आपका फ्यू फाइसी। ओके डिक्टोटा, डिक्टियोटा एंड दिस इज योर पॉलिसिफोनियम। अब देखिए मैं इसको कैसे कर पा रहा हूँ, मैं इसको जैसे कि आपने देखा होगा ना कि जब भी आप नीट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका एक चीज़ बड़ा क्लियर होना चाहिए, भले कोई भी डायग्राम हो, डायग्राम आपको रटा होना चाहिए, डायग्राम रटा होना चाहिए। जैसे कि मैंने फ्रंट से फ्यूकस को याद किया था, मैंने फ्रंट से फ्यूकस को याद किया था। सुन लो फ्रंट से फ्यूकस। अब आप बोलोगे कि अब देखो सर्कुलर दिख रहा है, ये सर्कुलर दिख रहा है, सी पी करके मैंने इसको याद किया था। ओके कोई भी सर्कुलर स्ट्रक्चर रहेगा पॉरीफायर होगा, फ्रंट होगा स्ट्रेट होगा तो फ्यूकस कहलाएगा जी। ठीक है, और अगर सॉरी गाइस फॉर द एक्सटर्नल साउंड। ओके और अगर मल्टीपल ब्रांचेज होंगे तो डिक्टोटा कहलाएगा, और स्मॉल स्मॉल अगर एक्सेस होंगे तो वो तुम्हारा पॉलिसिफोनिया कहलाएगा जी। तो सिक्स का आपका ऑप्शन ए इज योर करेक्ट जी। अगला सवाल जी, आइए अभी हम लोग को यहाँ पर ब्रायोफाइट्स दिया हुआ है और आइए उस स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं जी। आइए तो सबसे पहली बात इसको देखिए आप, ठीक है आप इसको देखिए, ये तुम्हारा क्या है, ये क्या कहते अपना, इसको हम लोग एक स्टेटमेंट कहते हैं। हाँ ये क्या तुम्हारा सेपरेटेड है? यस सेपरेटेड है, सेपरेटेड और क्लियरली विजिबल है, क्लियरली विजिबल है। सो सेपरेटेड और क्लियरली विजिबल किसके अंदर देखने को मिलता है? फीमेल्स में देखने को मिलेगा क्या? सो ये क्या कहलाएगा? सो ये आपका क्या कहलाएगा जी? आइए ये आर्कोगोनियो फोर्स कहलाएगा, यह आपका आर की गोनियो फोर कहलाएगा जी, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये छोटा वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? ये ग्रीन कलर का होता है जी, जी माँ का। अब ये जो स्ट्रक्चर है सी, अब देखो आपने पढ़ा होगा कि जो नीचे वाला पोर्शन है, जो नीचे वाला पोर्शन है वो क्या होता है? गैमेटोफाइट होता है क्या? गैमेटोफाइट। और ये पिटमॉस है क्या? स्पैग्नम या पैग्नम। ओके डी, तो आपका ऑप्शन टू इसको सेटिस्फाई कर रहा है जी, ऑप्शन टू इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगला सवाल फिर आ गया, आइए जी अब इस डायग्राम को देखो और पहचानो, इस डायग्राम को देखिए और पहचानिए जी। ये सेला ग्लिनेला है जी, ये टेरिडोफाइट हेट्रोस्पोरस। ओके ये सभी को याद है, इक्विस्टम है जी, इक्विस्टम। और अब देखो ये सेल्विनिया है एंड दिस इज योर जिनकगो,
अब ये कैसे याद रहेगा? अगर आप लोग देखते रहोगे ना, अगर आप एनसीईआरटी के डेली डायग्राम्स अगर आप रोज़ सुबह भी उठ के देखोगे ना, सो सारे डायग्राम्स आपको रटे होंगे, बिकॉज एक से दो सवाल जो होता है ना डायग्राम के बेसिस पर आता है हर साल अगला। तो उसके लिए देख रहा हूँ मैं यूनिट वाइज ले रहा हूँ, आज यूनिट वन लूँगा, अगले सैटरडे को यूनिट टू ले लूँगा मैं। द गिवन फिगर शोज द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, फ्यू प्लांट्स आर मार्क्ड एज ए बी सी डी ई, आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबलिंग। जी आइए, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी, दिस इज योर डी एंड दिस इज योर ई। जी आइए लेबलिंग करते हैं, इनकी लेबलिंग करते हैं। जी क्या होगा, ये जो ए है स्टाइल ओवरी, ऊपर क्या होगा स्टिग्मा होगा, ऊपर क्या स्टिग्मा होगा जी, क्या स्टिग्मा होगा, एकदम करेक्ट जी, एकदम करेक्ट। अगला जी, अगला देखो जो ये बी वाला पोर्शन है, क्या ये एंथर होगा जी, एंथर मेल पार्ट है, देख रहे हो ये फिलामेंट है, स्टॉक से कनेक्टेड है एंथर। सी, सी आपके पास क्या होंगे, अब देखो माइक्रोस्पोर है, मतलब क्या ये मेल गैमेट बनाएगा, दिस इज योर मेल गैमेटोफाइट, ये आपके मेल गैमेटोफाइट है जी, ये कोई टेंशन की बात नहीं है। अब ये दिस इज योर व्हाट, आपको एग देखने को मिल रहा है, ये एग देखने को मिल रहा है। अब ये एग कैसे बना है, हमारे फीमेल गैमेट्स के मिलने के बाद, फीमेल गैमेटोफाइट के मिलने के बाद। तो आपका ऑप्शन ए ने आपको सेटिस्फाई किया क्या, ये ऑप्शन ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगला सवाल जी, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, टाइप ऑफ लाइफ साइकिल भाई कौन सा करेक्टली एकदम डिस्क्राइब कर रहा है। ए बी सी को देखिए और पहचानिए फटाक से, फटाक से जी। आइए देखो, हमारे पास स्पोरोफाइटिक है, जाइगोट है और स्पोरोफाइटिक है। बड़ी ध्यान से तुम लोग मेरी बातों को सुनते रहना, तब आप लोगों को ना बड़ी अच्छे समझ में आ जाएगा जी। तो अगर आप देख रहे हो गैमेटोजेनेसिस का सिनगैमी हो रहा है और सिनगैमी से डायरेक्ट जाइगोट बन रहा है, ये किसका फीचर है, ये एनजीओ प्लस जिम्नो का फीचर है क्या, तो ये आपका क्या होगा डिप्लांटिक होगा, ये आपका क्या होगा जी डिप्लांटिक होगा, कोई टेंशन की बात नहीं जी। ये बी वाला ऑप्शन क्या कहलाएगा, अब देखो जाइगोट के बाद गैमेटोफाइट बन रहा है, ठीक है, ये दिस इज योर अलगे में देखने को मिलता है क्या ये चीज़, अलगे में, फिर बाद में इनके बीच में क्या होगा जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, सिनगैमी हो जाएगा, अलगे हैप्लांटिक। ओके, स्पोरोफाइट मियोसिस हो रहा है और फिर गैमेटोफाइट बन रहा है। अब देखो ये स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट किसके अंदर था मेन प्लांट बॉडी, टेरिडोफाइट्स के अंदर, और गैमेटोफाइट्स क्या ब्रायोफाइट्स के अंदर होता है, सो ये क्या हो रहा है हैप्लोडिप्लांटिक कहलाएगा, हैप्लोडिप्लांटिक, ठीक है जी। अगला, तो आपके ऑप्शन डी ने इसको सेटिस्फाई किया। अगला सवाल जी, आइडेंटिफाई द फिगर एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, इस फिगर को आइडेंटिफाई करते आइए। अब देखो ये तुम्हारा ट्रू कोलम है जी, ये कोलोमेट है, ये जो बी वाला है ये तुम्हारा बी कैसा है, सूडो कोलोमेट है क्या, यस yes। और सी तो तुम्हारा अकोलोमेट है, योर ऑप्शन बी इज करेक्ट जी। आइए, द गिवन फिगर ऑफ द एनिमल्स आर डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विच शोज द टाइप ऑफ सिमेट्री एंड डिस्क्रिप्शन जी। आइए पता करते हैं, पता करते हैं, जल्दी 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 बताइए हैं। देखो अगर आप इसको देखोगे, अगर तुमने इसको डिवाइड किया बीच में से, तो क्या होगा, ये इक्वल राइट और इक्वल लेफ्ट में डिवाइड होगा, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये प्लेन्स में डिवाइड होगा, है कि नहीं। तो ऐसा सिमेट्री को हम लोग क्या कहते हैं जी, बाइलेटरल कहेंगे। ओके, एक रेडियल है, दूसरा बाइलेटरल है, दिस इज योर बाइलेटरल, मतलब क्या, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू द इक्विवेलेंट राइट एंड इक्विवेलेंट तुम्हारा लेफ्ट, सिर्फ एक ही प्लेन में, ठीक है जी।
अगला सवाल जी, अगला सवाल, आइए नेमिंग चालू करते हैं जी इनका। ओके, कोलन सिनिटेटा का पूरे मतलब फाइलम से सवाल आया है जी। पहली बार डी से पहचानते, चलो डी वालों को, डी वालों को देखो, ये तुम्हारा सेटिनोफोरा है क्या? सेटिनोफोरा है, यस। इसका एग्जाम्पल क्या है जी? ल्यूरोब्रेशिया। हाँ जी, ये कोलन सिनिट्रेटा है क्या? इस सेल का नाम क्या है? सेनिडोब्लास्ट। ये बी क्या है? एडेमशिया है, कोलन सिनिट्रेटा। ये ऑरिला, ओके, कोलन सिनिट्रेटा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, डी से भी तुम पता कर सकते हो। अगला जी, एग्जामिन द ए बी सी। आइए ए बी सी को एग्जामिन करो, सी से चालू करो, इसमें ना पीछे चालू करने का तो आंसर जल्दी मिलता है। ये स्पॉन्जिला है क्या? क्या ये स्पॉन्जिला है जी? यस, ये है यू स्पॉन्जिया। और पॉलीफेरा का मेजर क्लास क्या होता है जी? साइकन कहलाता है। योर ऑप्शन ए इज योर करेक्ट जी। अगला सवाल जी, आइए अब इसको पहचानना है ये कौन से फाइलम से बिलोंग करेगा। सिंपल सी बात है, दिस फिगर इज गिवन बिलो द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ द फाइलम इन विच द एनिमल आर एक्वाटिक फ्री स्विमिंग और सेसाइल मोस्टली मराइन रेडियल सिमेट्रिकल। आइडेंटिफाई द फाइलम एंड करेक्ट ऑप्शन जी। तो ये कॉलन सिनिट्रेटा से बिलोंग कर रहा है क्या? कर रहा है क्या? जिसको अपन सिनिड्रियंस भी कहते हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सेनिडोब्लास्ट। इसका नाम है तुम्हारा सेनिडोब्लास्ट। ठीक है, तो सिनिड्रियन से बिलोंग कर रहा है जो कि एंकरेज डिफेंस और फूड कैप्चरिंग में काम करता है या प्रे कैप्चर में भी मदद करता है। अगला पता करो ए बी सी डी को, सिंपल सिंपल है, फटाफट 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 पता करो। हाँ जी, मैं वेट कर रहा हूँ, लेट्स सी। 16 का क्या होगा ये? मैंने पहले ही बोला इसमें आप लोगों को बैक से देखना। चलो, ये पीला है प्रॉन, दिस इज अ स्कॉर्पियन, एंड ये तुम्हारा क्या है? लोकस्ट। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट। ओके, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जी। अगले सवाल की ओर, आइडेंटिफाई द फिगर एंड राइट नेम। इसका नाम क्या है जी? इसका नाम है टेप वॉर्म। इसका नाम है टेप वॉर्म जी, जो कि एक प्लैटी एलिमेंट था इसे से। अगला सवाल, आइडेंटिफाई ए बी सी करो, आइडेंटिफाई। अब मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा क्या होगी जी। अब देखो, ये लॉन्ग टेल है, लॉन्ग टेल, तो लॉन्ग टेल किसके पास है जी? फीमेल एस्केरिस, मतलब कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी उधर ही एलिमिनेट हो गया क्या? उधर ही एलिमिनेट हो गया, यस। इसका नाम है निरीस, और ये आपका लीच है क्या? यस, ऑप्शन बी। अगला, आइए पता करते, आइए पता करते हैं जी। ये तो सभी लोग बता देंगे, पहले अपन इधर से चालू करते हैं जी। आइए, तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? ऑफ्यूरा। हाँ जी, बी आपका क्या कहलाएगा? एस्टिरिस, स्टार लाइक शेप, और ये आपका ऑक्टोपस। सो इजी क्वेश्चन यार, है ना? इतना इजी क्यों आप दे रहे हो? आइडेंटिफाई द फिगर एंड फाइलम, आइए इसको पता करते हैं। तो ये तो हेमियोकोडाट है, और इसका नाम क्या है जी? बेलेंग्लोकस है क्या? एकदम करेक्ट है जी, यस। अगला, ए बी सी को आइडेंटिफाई करो, ए बी सी डी को, लेट्स सी कौन कौन आइडेंटिफाई कर पाएगा। ये ए तुम्हारा क्या है जी? नर्व कॉर्ड है। ये बी आपका क्या है जी? नोटोकॉर्ड है। सी आपका पोस्ट एनल टेल है क्या? और डी आपका गिल स्लिट है। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट जी। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट अ करेक्ट रिगार्डिंग द गिवन फिगर बिलो। ये नीरीज है क्या? ये नीरीज है क्या? कौन सा करेक्ट नहीं है नीरीज के लिए? नीरीज के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है जी? तो नीरीज में क्या होता है?
एक्वेटिक होता है, यस एक्वेटिक होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या ओपन टाइप रहेगा, ये गलत हो गया, क्लोज टाइप होता है ना, क्लोज टाइप होता है जी। पैरापोडिया होता है स्विमिंग के लिए, न्यूरल सिस्टम रहता है इनके पास। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बॉडी इज कवर्ड बाय दी, ओके कैलकेरियस शेल, अनसेगमेंटेड विद अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल आर्म। ये होगा नहीं, ये एचिनोडर्माटा है, ये आर्थ्रोपोडास है, ये तुम्हारे पॉलीफेर। ऑक्टोपस मॉलिस्का से बिलोंग करेंगे क्या, ये मॉलिस्का का फीचर है क्या, जल्दी बोलो क्या ये मॉलिस्का है, यस। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कंटेन द रेस्पिरेटरी सिस्टम लाइक द गिल्स, बुगिल्स, लंग, ओके बुकलंग्स और ट्रकियल सिस्टम। सेडिनोफोरा होगा नहीं, प्लैटी एलिमेंटाइसिस होगा नहीं, एचिनोडर्माटा होगा नहीं, आर्थ्रोपोडास है क्या, आर्थ्रोपोडास होंगे, स्कॉर्पियंस। अगला, आइडेंटिफाई द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन शोन, ओके बिटवीन देम, भाई करेक्ट क्या है, इनके बीच में करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जी, जल्दी पहचानिए जी। डिप्लोब्लास्टिक नहीं, अरे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बायलेटरल सिमेट्री, ओके इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, दे हैव द प्रेजेंस ऑफ दिस सेंसरी टेंटिकल्स जो कि उनके इंटीरियर हेड पे है, जो कि क्या वाइब्रेशन को पता करता है, प्रे कौन सा है ये उसको आइडेंटिफाई करेगा। अगला जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बायलेटरल सिमेट्रिकल, अब भी एक 10 सेकेंड पहले बताया, बायलेटरल सिमेट्रिकल पहचानिए, बायलेट्रिकल बायलेटरल मॉलिस्का एंड एचिनोडर्माटा, मॉलिस्का एंड एचिनोडर्माटा, सॉरी नहीं नहीं एचिनोडर्माटा में तो नहीं ना, रेडियल होता है उसमें, रेडियल हो जाएगा तुम्हारे पास, सॉरी प्लैटी एलिमेंथाइसिस, प्लैटी एलिमेंथाइसिस ऑल्सो, ठीक है बायलेटरल तुम्हारा सिमेट्री आपको देखने को मिलता है जी। अगला, रिफर द फिगर ए बी सी, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ओके शोन, ओके एनिमल्स दैट रेगुलेट द बायोन्स, कॉन्ट्रोसेट्स कौन है यार, कॉमन सेंस लगाने का है जी, कॉमन सेंस है क्या, फिश से बिलोंग करेंगे जी, यस ए और बी, कहाँ पर डाल दिया रेप्टाइल्स को, रेप्टाइल्स नहीं होती। अगला जी, द गिवन फिगर ए बी सी डी आर द एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट, ओके दे आर द डोमिनेंट इन द मिजोइक एरा एंड बिलोंग टू एक्स, ओके एक्स आइडेंटिफाई द एक्स एंड द एनिमल विच हैज अ फोर चैम्बर्ड हार्ट, कौन है जी, एक्स क्या होगा, रेप्टाइल, रेप्टाइल होंगे और फोर चैम्बर्ड कौन है, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, ओके अगला जी, तो एक ये आपको पता होना चाहिए जी, दिस शुड बी नोन टू यू जी। ओके अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं जी, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, आइए ये सवाल देखो क्या कह रहा है आपका, मिजोगिलिया एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म एंड मिजोडर्म, द अबाउट डायग्राम शोज द जर्म लेयर, द एनिमल्स हैविंग द स्ट्रक्चर शोन इन द फिगर ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली, ये ए क्या है, मिजोगिलिया है, दिस इज अ डिप्लोब्लास्टिक एंड तीनों लेयर है क्या इनके पास, एक्टो एंडो मिजो ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो ये तुम्हारे कंप्लीट हो गया यूनिट वन, इससे आपका क्या हुआ ना, कंप्लीट हो गया यूनिट वन। सो यूनिट वन में इतने डायग्राम्स पर सवाल बनते हैं जी, ठीक है। होप कि गाइज आप लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया रहेगा, फटाफट सभी लोग सेशन को लाइक मार देंगे, क्या आपका स्कोर आया कमेंट में ज़रूर बताना, और कैसा लगा ये भी आप लोग बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे औसम औसम तुम्हारे लिए वीडियोस आते रहेंगे। और गाइज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, सबसे इम्पॉर्टेंट, ओके और क्या नया आप चाहते हो वो भी कमेंट में आप ज़रूर बताना जी, ठीक है। अगले सैटरडे को हम लोग मिलेंगे, अगले सैटरडे को मिलेंगे हम यूनिट टू के साथ, यूनिट टू के साथ। सो अभी के लिए बस इतना ही गाइज, ओके थैंक यू, जय हिंद गाइज, ओके जी बाय जी, बाय।